हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक 22 mm का रोटरी हैमर, जो कि रोटरी हैमर जो होता है ये कॉर्डलेस है टोटली। इसके लिए कोई इलेक्ट्रिसिटी की कोई नीड नहीं है, ये बैटरी से चलेगा। इसका जो मॉडल नंबर है वो है CRHLI202081। अगर आप इसके RPMs जो राउंड पर मिनट से होते हैं उसकी बात करेंगे तो जो ड्रिलिंग की होती है जो उसकी 1100 पर मिनट की होती है, 5400 RPMs जो होते हैं इसके हैमरिंग के लिए होते हैं, 22 mm तक ये हैमर करता है, 13 mm में मेटल पे काम करता है। 13 mm कैसे मेटल पे काम करेगा, इसके लिए अडाप्टर और ड्रिल चक लगाना पड़ेगा आपको इसके साथ। उसके बाद ये हैमरिंग मेटल पे और वुडन पे काम करेगा। वुडन के लिए ये 28 mm तक काम करेगा। 28 mm कैसा करेगा, इसके लिए आपको त्रिशूल बिट लगाना पड़ेगा, उस हिसाब से फिर ये 28 mm तक काम कर सकता है। आइए इसको ओपन करते हैं। अब आप देखिए, इसके साथ कंपनी एक तो 4A की बैटरी दे रही है। 4A की बैटरी उन मशीनों के साथ दी जाती है जिनका एप्लीकेशन थोड़ा हैवी होता है, जैसे कि ग्राइंडर हो गया, कटिंग टूल्स वगैरह जितने होते हैं, मल्टीफंक्शन टूल्स जितने होते हैं, उनके साथ कंपनी 4A की बैटरी रिकमेंड करती है। किसी के साथ देती है, किसी के साथ नहीं भी देती है, लेकिन रिकमेंडेशन जो होती है वो 4A या 5A की बैटरीज की ही होती है। बिट्स जो है इसके साथ 6 mm की एक बिट्स आएगी हैमरिंग बिट, HDS+ की बिट्स होती हैं ये, 8 की एक बिट होगी और 10 की एक बिट होगी, तो टोटल 3 बिट्स हो गए। एक पॉइंटेड चीज़र होती है जो आपका चिपिंग का काम करती है, टाइल वगैरह ब्रेक करना है आपने या कहीं भी आपने ब्रिक वगैरह ब्रेक करना है उस चीज़ के लिए ये काम करती है। इसके साथ एक मेजरमेंट गेज होता है, जो लेंथिंग गेज भी जिसको बोला जाता है, यूज़र मैनुअल, एक चार्जर और एक मशीन। मशीन ये प्लास्टिक के केस में है, बाकी आप अलग से अगर परचेज करना चाहें तो एक गत्ते के बॉक्स में भी आती है। उसके साथ कोई बैटरीज नहीं आती, चार्जर नहीं आता, केवल मशीन्स होती हैं। तो मशीन की अगर आप बिल्ट अप क्वालिटी देखोगे तो काफ़ी हैवी है, और ये जो है ये न्यूली कमिंग प्रोडक्ट है, तो इसको देखोगे आप काफ़ी फास्ट मूविंग आइटम्स है ये, और कलर इसका हल्का सा इन्होंने ग्रे कर दिया है। 3 मोड्स होते हैं इसमें, ड्रिल, हैमर और ड्रिल, और यहाँ से इसको आपको रोटेट करना है चिपिंग के लिए। यहाँ पे चिपिंग, ड्रिल विद हैमर, केवल ड्रिल लकड़ी लोहे के लिए, यहाँ पे ड्रिल कंक्रीट के लिए, ब्रिक के लिए आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा, जो वॉल पर्पजेज जितने भी होते हैं सबके लिए यहाँ पे। और अगर आपको ब्रेक करना है किसी चीज़ को, हल्का सा कहीं भी पत्थर ब्रेक करना है या कंक्रीट में ब्रेक करना है या वॉल ब्रेक करना हल्का सा, तो उसके लिए आपको यहाँ पे, आइए मैं इसको आपको चलाते हुए दिखा देता हूँ। 4A की बैटरीज है, यहाँ से ये पुट होगा, यहाँ पे ड्रिल, आवाज देखिए बड़ी स्मूथ है इसकी, यहाँ पे आवाज हैवी हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे हैमरिंग फंक्शन, पिस्टन ड्राइव होती है ये, तो हैमरिंग फंक्शन में थोड़ा सा आवाज हैवी हो जाती है। और यहाँ पे ये ब्रेक करेगा, आवाज हैमरिंग वाली ही रहेगी कंप्लीट, पिस्टन ड्राइव करेगा लेकिन मशीन मूव नहीं करेगी आगे से, जो इसका आगे का होगा मशीन इस पर मूव नहीं करेगी। बिट से मैं समझा सकता हूँ आपको, यहाँ पे देखोगे आप बिट मूव नहीं करेगी इस पर, जबकि इस वाले फंक्शन में बिट मूव करती है, रन करती है। बैटरी की पावर आप यहाँ से कैलकुलेट देख सकते हैं कितना आपका बैटरी का अभी बैकअप बचा हुआ है, किस वजह से ये काम कर सकता है। 4A की बैटरी है तो ऑब्वियसली 1 घंटा 1.5 घंटे तक इसका बैकअप रहता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।